हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चिता। वेलकम टू अर्चिताज टेबल। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मोमो। तंदूरी मोमो बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा, देन हम उसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अनुसार पानी डाल देंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। देन हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और चारों तरफ इसे लगा के इसे एक गीले कपड़े में ढक देंगे 10 to 15 मिनट्स तक। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। देन हम इसमें चॉप्ड किए हुए गार्लिक ले लेंगे 1 टेबल स्पून। उसे 30 सेकेंड ऐसे थोड़ा फ्राई कर देंगे। देन हम उसमें चॉप्ड किए हुए अनियन ले लेंगे। हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का अनियन ले रहे हैं। देन इसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे और गाजर, गाजर को हमने यहाँ पर ग्रेट कर दिया है। उसके बाद कैबेज डाल देंगे और उसे ऐसे मिक्स कर देंगे। मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसमें हम डाल देंगे 1/3 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस और उसे इसे मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो है मोमो का मिक्सचर है रेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा जो डो था वो हम निकाल देंगे और उससे एक छोटा सा पीस इसे निकाल लेंगे। और थोड़ी सी मैदा डाल के उसे अच्छे से बेल देंगे और हम इसे थोड़ा पतला बेलेंगे। देख सकते हैं मैं एक ग्लास ले रही हूँ उसे कट करने के लिए। आप चाहे तो आप और कुछ भी फ्रेम का यूज कर सकते हैं जो कि राउंड हो। तो हम इसे कट कर लेंगे इसे, और जो बाकी का हिस्सा रह गया है वो उसे हम इसे निकाल लेंगे। देन हमारा जो मोमो का मिक्सचर है उसके अंदर हम डाल देंगे और उसे हम इसे बंद करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मोमो ये हो गया। हम यहाँ पर छोटा साइज का मोमो बना रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा साइज का मोमो बना सकते हैं। मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। ये मोमो का मिक्सचर आया इसे अंदर। देन हम एक बाउल में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। देन 1/3 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, 1/3 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/3 टेबल स्पून नमक
और 1/3 टेबलस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, देन 4 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून बेसन डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। देन हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे और वो गर्म हो जाने के बाद हम ये मोमो डाल देंगे और गैस का फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। ये हम इसे सारे मोमो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और मोमो को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और आप देख सकते हैं मेरा ये जो मोमो है लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है, तो इससे मैं इसे निकाल लूँगी। देन हमने जो मिक्सचर रेडी किया था उसमें ये मोमोस डाल देंगे और इससे हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ये जो चॉपस्टिक है उसमें इसे डाल देंगे। देन हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे और मोमोस को हम यहाँ पर डाल देंगे। 40-50 सेकेंड के बाद हम इसको इसे दूसरी साइड पर कर देंगे। ये 4-5 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम इसे डायरेक्ट गैस में इसे 30 सेकेंड के लिए हम रखेंगे। और इसे हम प्लेट में रख देंगे। उसके बाद इसमें हम मेल्टेड बटर थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे और आपका रेडी हो गया है तंदूरी मोमो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।